हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के सामने न्यू लेटेस्ट अपडेट हम लेकर आज के आपको बताने वाले हैं। हरियाणा सरकार जितने भी पोस्ट है आपकी, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, जेबीटी, पीआरटी, एनडीटी की जो भी पोस्ट है आपकी आनी है रेगुलर, उनके नए लेटर जारी हो रहे हैं, भर्तियों के फॉरम शुरू हो चुके हैं। अगर मेरी बहन कोई भी इस वीडियो को सुन पा रही है, अपने ही गाँव के अंदर जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर अगर आप टीजीटी पीजीटी की पोस्टों के ऊपर काम करना चाहती है तो नए फोरम शुरू हो चुके हैं। अपना फोरम सभी जरूर भरिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जिसको भी लगना है बिल्कुल आराम से अपना फोरम भर लेना, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 6 अगस्त तक। आपके फोरम का लास्ट डेट रहने वाला है, 6 अगस्त तक आप फोरम भर सकते हैं और जल्दी इन पोस्टों के लिए आपके मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार आपको बताती है कि जो भी भर्तियां फिलहाल प्रोसेसिंग में है उनका कंप्लीट पूरा प्रोसेस होने वाला है, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी बच्चों को रोजगार देने वाली है। विधानसभा चुनाव ऊपर से आने वाले हैं, कम से कम 2 महीने बचे हुए विधानसभा चुनाव के हरियाणा के अंदर, उसको देखते हुए हरियाणा सरकार बच्चों को काफी रोजगार देने वाली है। अच्छी अच्छी भर्तियों के फॉर्म अप्लाई करवा रखे हैं, कुछ भर्तियां प्रोसेस में चल रही है और हरियाणा के अंदर जो भी भर्तियां आती है, जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं कंटिन्यू आपको बताए जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आज ही गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हर एक भर्ती की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हर एक भर्ती का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें पूछनी हो, कभी भी आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना, जो भी आप मैसेज करेंगे उसका रिप्लाई करेंगे, साथ में जो भी आप कमेंट्स करते हैं आपके कमेंट्स को पढ़ा जाता है, उनके रिप्लाई किए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप कमेंट्स किया करो, जो भी चीजें पूछनी हो बिल्कुल आराम से मैसेज किया करो, कमेंट्स किया करो। इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो टीजीटी पीजीटी की जो पोस्ट आ रखी है इनके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। मेन इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्योंकि काफी मेरी बहनें ऐसी भी होंगी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, बीएड भी कर रखी होगी, परंतु इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरे भाई और मेरे बहनों को साफ साफ दिख रहा होगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर पीजीटी टीजीटी की न्यू भर्तियां आ चुकी है, जिसके अंदर पोस्टें अभी डिस्क्लोज हैं, जिसके अंदर पोस्टें नहीं बताई हैं कि कितनी पोस्टों के लिए हम भर्ती करने वाले हैं। जॉब लोकेशन आपकी हरियाणा के अंदर रहती है, 6 अगस्त तक आप फॉरम को अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉरम भरना पड़ेगा, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये वाली रहती है HKRN, जो आप भरेंगे तो उसके ऊपर सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट आएगी गूगल पर, उससे आप फॉरम अप्लाई कर लेना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, पर जाइए, कोई भी दिक्कत होती है बिल्कुल आराम से मैसेज कर लीजिए। इसके आगे हम बात करेंगे, फोरम 1 तारीख से आज के दिन शुरू हो चुका है, लास्ट डेट इसकी 6 अगस्त रखी गई है। मेरिट बेस के हिसाब से HKRN के अंदर सिलेक्शन होता है। कोई भी मेरा भाई सुन पा रहा है, अगर उसकी फैमिली के अंदर उसकी बहन है, उसकी वाइफ है, किसी भाई का भी फोरम अप्लाई करवाना चाहता है तो बिल्कुल आराम से अपना फोरम भरवा लेना, उनको भी ये जानकारी आप प्रोवाइड कर देना। अगर उन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा तो सभी भाई और बहनों आपस में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करवा दिया करो, क्योंकि जो भी भर्ती आती है उनको डायरेक्टली जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू उनको भी मिलते रहेंगे। इस भर्ती के अंदर जो भी फीस लगती है, 236 रुपए आपकी फीस लगेगी। जो भी पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे, टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो 236 लगेगी, पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे सभी कैटेगरी के अंदर 236 रुपए इसमें लगने वाला है। इस भर्ती के आगे आपकी एज लिमिट होती है 18 से 42 साल वाले सभी अप्लाई कर लेना, जिसकी भी एज 18 से 42 साल है सभी मेरी बहनें अप्लाई कर लेना, जो भी अपडेट्स आपको आएंगे कंटिन्यू बताएंगे। टीजीटी पोस्टों के लिए आपका ग्रेजुएट प्लस में स्टेट पास होना चाहिए, 6 अगस्त तक इस भर्ती की लास्ट डेट रहने वाली है। पीजीटी पोस्टों के लिए पीजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रखे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, प्लस में आपका स्टेट पास होना चाहिए और 6 अगस्त इसकी भी लास्ट डेट रहने वाली है। दोनों पोस्टों के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी और साधारणतः सभी सब्जेक्ट इसमें पोस्ट आ रखी है। टीजीटी पीजीटी के अंदर जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी पोस्टों के लिए आ रखी है, बिल्कुल आराम से दोनों के अंदर स्टेट पास मांग रखा है। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस में स्टेट होगा, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में आपका स्टेट इसमें पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अंदर क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये भर्ती आपकी मेरिट बेस पर होती है, ये चीजें आपको पता ही होंगे। और जो भी मेरे भाई और मेरी बहनों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऑफर लेटर आते हैं, कोई भी भर्ती आती है डायरेक्टली आपको बता दी जाती है। तो आज एक नया लेटर जारी हुआ है, एक भर्ती आने वाली है सफाई कर्मचारियों की, और ये भर्ती तो आपके सामने चल रही है टीजीटी पीजीटी वाले। सफाई कर्मचारियों की भर्ती आने वाली है सरकारी स्कूलों के अंदर, एक बड़ा लेटर आया
है वो भी हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट कम पढ़ा लिखा है, अगर सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर काम करना चाहता है अपने ही गाँव के सरकारी स्कूल के अंदर, तो उसके लिए आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करने होंगे, क्या प्रोसेस होता है, पूरा अगली वीडियो में आपको डिटेल से हर एक जानकारी मिल जाएगी। सभी मेरे भाई और मेरी बहनों, जाते जाते प्यारा प्यारा कॉमेंट जरूर कर देना, जो भी आप कॉमेंट्स करेंगे हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, आप जाते जाते कॉमेंट जरूर करना। भाई और बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।